आज हम सभी सब सौभाग्यशाली हैं, हम सब गौरव का अनुभव कर रहे हैं कि अपने पूर्वजों की इस विरासत को, धरोहर को आज अपने गांव के माध्यम से पूरे विश्व के कल्याण के लिए आरोग्य यज्ञ का, हवन यज्ञ का कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। और इसमें जो भी भाई बंधु उपस्थित हैं उन सबको एक बार शुभकामना व्यक्त करते हैं, अपने भीतर के सारे बीमारियों को दूर करते हुए, अपने सारे भीतर के दुष्ट आचरणों को, कुकर्मों को दूर करते हुए हम एक सात्विक आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन को पूरे दूसरे समाज के लिए, दूसरे लोगों के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, सभी प्राणियों के कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण और एक बार गायत्री मंत्रों से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र से आज हम सब मिलकर के ईश्वर की प्रार्थना करेंगे, उसके दिव्य स्वरूपों का गुणगान करेंगे। आप लोग भस्त्रिका प्राणायाम करते रहेंगे, आंख बंद रखेंगे और प्रभु से बार बार यही प्रार्थना कि हे परमात्मा, मेरा जीवन सफल हो जाए, जन्म लेना मेरा सार्थक हो जाए। सांस भरते रहेंगे। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुवा यदभद्रम तन्नयासुवा तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे ढिंग आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए, मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। सांस भरते छोड़ते रहेंगे। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासित स्वादाधार प्रथम धामुतय मा कस्मै देवाय हविषाभिधेमः। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप सुभत्राता है, सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है, घट घट में व्यापक स्वामी, योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम यह आत्मदा बलदा यस विश्व उपासते प्रतिसम यस देवा यस छाया अमृतम यस मृत्यु कस्मै देवाय हविषाभिधेमः। तुही आत्मज्ञान बलदाता सुयस भी सुजन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे विसराने में मेरी सारी शक्ति लगे, प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्व किद्राजा जगतो बभुव यह इसे अस्तिपद चतुपद कस्मै देवाय हविषाभिधेमः। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है, मनुज और पशुओं को रज कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव से भेंटे लेकर तब चरणों में आते हैं। ओम येन देवग्रह पृथ्वी चतुर्धा येन स्वयस्वितम येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषाभिधेमः। तारे रविचंद्रादि गरज कर निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान करें, शुद्ध भाव से भगवान तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापते न त्रितान्यो विश्व जातानि परिता बभुव यत कामास्ते झुम सुनस्तु वयम श्याम पतयो रेणामः। तुझसे भिन्न न कोई जग में, सब में तू ही समाया है, जड़ चेतन सब तेरी रचना तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है, हे तू रहित अनुराग दीजिए यही भक्त को भाया है। ओम सन्नोबद जनिता से विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्व यत्र देवा अमृत माना शांत त्रिते धामन धयनतः। तू गुरु है प्रजेस भी तू है, पाप पुण्य फल दाता है, तू ही सखा बंधु मम तू ही तुझसे ही सबनाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है, तू अज अद्वैत महाप्रभु सर्व काल का ज्ञाता है। ओम अग्ने न सुपथा रायस्मान विश्वानि देव युनानि विद्वान यो युद्ध मजुराण में नो भोषांति नम उक्तिम विधेमः। तू है समय प्रकाश रूप प्रभु सबका सृजनहार, तू ही रसना नित दिन रटे तुम्ही को मन में बसना सदा तुही। अज्ञान अर्थ से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान, अपने भक्त जनों को भगवान
दीजिए यही विशद वरदान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। मर्दा प्रसन्न जा राम चंद्र की जय। धरती माता की जय। अपने माता पिता की जय। बरौली ग्राम की जय। ओम हर हर महादेव। बढ़िया बढ़िया बोलो जगह ध्यान मिलेगी बढ़िया।